नमस्कार, मैं अपराजिता पांडे और आप देख रहे हैं झारखंड टाइम्स। हमारे यूट्यूब चैनल को जो आप देख रहे हैं उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स को लाइक कर लें, फॉलो कर लें, क्योंकि हम आपको आपके शहर की हर छोटी बड़ी और ताज़ा तरीन खबरें दिखाते रहते हैं। और हाँ, एक और बात, आप प्ले स्टोर से जा करके झारखंड टाइम्स ऐप को इंस्टॉल कर लें ताकि आपका जुड़ाव और ज्यादा बना रहे। धन्यवाद। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के रिजल्ट का फॉर्मूला तय करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी में 2 क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, 2 शिक्षक एवं 1 जैक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह कमेटी विद्यार्थियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया की अनुशंसा झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग से करेगी। कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप झारखंड एकेडमिक काउंसिल रिजल्ट की प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय होगा। जैक द्वारा सप्ताह के अंत तक परीक्षार्थियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया तय कर ली जाएगी। मूल्यांकन की प्रक्रिया संबंधित प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेजा जाएगा। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने इस वर्ष मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया है। रिजल्ट को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा विभिन्न जिलों से सुझाव मांगा गया था। जिलों को 14 जून तक अपना सुझाव देने को कहा गया था। अधिकतर जिलों द्वारा सुझाव भेज दिया गया है। जिलों द्वारा भेजे गए सुझाव को कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। अतिरिक्त विषय पर भी होगा निर्णय। जी हाँ, मैट्रिक और इंटर में अतिरिक्त जो विषय हैं, उनके भी मूल्यांकन को लेकर कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। मैट्रिक व इंटर में 6 विषय की परीक्षा का प्रावधान है, जबकि कक्षा 9 व कक्षा 11 में 5 विषय की परीक्षा ली जाती है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थियों के रिजल्ट का मुख्य आधार उनके कक्षा 9वीं एवं 11वीं के रिजल्ट को बनाया जाएगा। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।